हेलो गाइस, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ वैल्यू एडुकेशन का चैप्टर नंबर 5, कम्बैट लेजीनेस। नाउ व्हाट इज़ कम्बैट लेजीनेस? तो कम्बैट लेजीनेस मतलब होता है, कम्बैट का मतलब होता है टू फाइट, ठीक है, फाइट करना किसी चीज़ से, और लेजीनेस का मतलब होता है आलस, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या है, एक बर्ड है, वो एक लेजी बर्ड है, तो वो क्या करती है, अपनी लेजीनेस से फाइट करती है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है कम्बैट लेजीनेस। इस चैप्टर की जो उतने भी वर्ड मीनिंग्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, उसे शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से वो वर्ड मीनिंग्स भी देख सकते हो, जिससे आपको चैप्टर और अच्छे से समझ में आएगा। आपको ये वीडियो देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को सेल्फ स्टडी भी करना है, एक बार सेल्फ रीड करना है, ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ द लेजी बर्ड। देयर वॉज वंस अ लिटिल बर्ड, एक लिटिल बर्ड थी, वो वॉज वेरी नाइस, मतलब बहुत अच्छी थी, बट बहुत 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 ज़्यादा लेजी थी, बहुत ज़्यादा उसमें आलस था, काम करना नहीं चाहती थी। एवरी डे व्हेन इट वॉज टाइम टू गेट अप, हिज फ्रेंड्स हैड टू शाउट एट हिम अगेन एंड अगेन। जब भी उसका वेकअप का समय होता था, उठने का समय होता था ना, तो वो उठती नहीं थी, उसके फ्रेंड्स को ना बार बार उसको जगाना पड़ता था, फिर भी वो नहीं जगती थी। ही वुड फाइनली स्ट्रगल आउट ऑफ बेड, और बड़ी मुश्किल से स्ट्रगलिंग करके बेड से वो उठती थी, बहुत ही लेजी थी। व्हेन देयर वाज सम जॉब ही हैड टू डू, ही वुड कीप पुटिंग इट ऑफ। जब भी उसे कुछ काम करना होता था ना, वैसे ही वो क्या करती थी, नहीं कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे करती रहती थी। मतलब जो भी काम उसे करना होता था ना, वो करती नहीं थी उसी से टाइम पे, और उसको टालती रहती थी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमें स्टडी करना होता है, जब हमें पढ़ाई करनी होती है, तो हम हमेशा ये कि जब एग्ज़ाम नहीं आ रहे होते ना, तब हम यही करते हैं कि कल करेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, है ना। जब तक वो एग्ज़ाम पास नहीं आ जाते, एग्ज़ाम की डेट पास नहीं आती, तब तक हम उसे पढ़ते ही नहीं, हम यही बोलते रहते कल करेंगे, कल कर लेंगे। तो ये क्या एक लेजीनेस है, अपने काम को हम टालते हैं, राइट। देयर वॉज हार्डली इनफ टाइम लेफ्ट टू डू इट, मतलब वो तब तक काम टालती रहती थी जब तक वो टाइम नहीं आ जाता था, एक ऐसा टाइम नहीं आ जाता था कि अब तो उसे करना ही पड़ेगा, चाहे वो चाहे चाहे ना चाहे, पर उसे वो काम अब करना ही पड़ेगा, तब तक वो उसको टालती रहती थी। वॉट अ लेजी बर्ड यू आर, तो लोग उससे क्या बोलते थे, तुम कितनी लेजी बर्ड हो, कितनी लेजी हो, कितनी आलसी हो, जस्ट कीप लीविंग एवरीथिंग टू आ लास्ट मिनट, हमेशा हर काम को टालती रहती हो, बिल्कुल लास्ट मिनट तक, बिल्कुल लास्ट टाइम तक वो कामों को टाला करती थी। उसने क्या रिप्लाई किया, जब लोग उससे बोलते थे ना कि तुम कितनी आलसी हो, तो वो क्या लिटिल बर्ड क्या रिप्लाई करती थी, दिस रियली नो प्रॉब्लम आंसर द लिटिल बर्ड, आई जस्ट टेक अ बिट लॉन्गर टू गेट अराउंड डूइंग थिंग्स डेट ऑल। उसने कहा कि नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस इतना होता है कि मैं जो काम तुम पहले कर लेते हो, वो काम मैं थोड़ा लेट करती हूँ। उसने ये रिप्लाई दिया। द बर्ड स्पेंट ऑल द समर फ्लाइंग एंड प्लेइंग, वो हमेशा ना फ्लाई करती रहती थी, खेलती रहती थी, कुछ काम नहीं करती थी। व्हेन ऑटम केम यू शुड कुड स्टार्ट फीलिंग द कोल्ड, ऑल द अदर बर्ड्स बिगेन टू प्रिपेयर फॉर द लॉन्ग जर्नी टू अ वार्मर लैंड। तो क्या होता है, जब भी ऑटम सीजन आता है ना, तो बर्ड्स ना क्या करते हैं, जब भी ऑटम सीजन आता है ना, तो बर्ड्स क्या करते हैं, ऑटम में बहुत कोल्ड हो जाता है, तो बर्ड्स ना उस कोल्ड सीज़न में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, रह नहीं पाते उस कोल्ड सीज़न में, तो वो क्या करते हैं, जो बर्ड्स होते हैं ना, वो प्रिपरेशन करते हैं अपना खाने की, सारी चीज़ें प्रिपेयर करते हैं एक ट्रिप के लिए, जिससे वो किसी वार्म अप प्लेस पे जा सकें, ठीक है, जहाँ सीज़न उनके लिए सही हो, जहाँ वो सर्वाइव कर सकें। तो ऐसी ऑटम जब आता है, तो सारी की सारी वो बर्ड्स भी क्या करने लग गई, तैयारी करने लग गई, प्रिपरेशन करने लग गई अपना खाने वाने का और वाटर का, सारी चीज़ों का प्रिपरेशन करने लग गई नेस्ट का, जिससे वो जब ऑटम सीजन आए, तो वो उस प्लेस को छोड़ के किसी वार्म अप प्लेस पे जा सकें। पर जो हमारी लेजी बर्ड थी, पहले जैसे ही उसने ये काम भी टाल दिया, उसने सोचा कि नहीं मैं बाद में कर लूँगी, बाद में कर लूँगी, वो उठती ही नहीं थी। प्लेंटी ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द जर्नी, उसने कहा कि अभी तो बहुत टाइम बचा है जर्नी के लिए, एक ट्रिप के लिए बहुत टाइम बचा है, अभी तो ऑटम बहुत बाद में आएगा। डेट वॉज अंटिल वन डे व्हेन ही वोक अप एंड रियलाइज्ड दैट ऑल द अदर बर्ड्स वर गॉन। एक दिन वो जब उठी, जब ऑटम सीजन आने वाला होता है, जब वो उठी ना, तब उसने देखा कि कोई भी बर्ड्स उसके आसपास नहीं थी, सब जा चुकी थी। जस्ट लाइक एवरी अदर डे, जैसे हमेशा होता था। सेवरल ऑफ हिज फ्रेंड्स हैड ट्राइड टू वेक हिम बट हाफ असलीप, ही टोल्ड देम ही वुड गेट अप लेटर। उसके फ्रेंड्स ने ट्राई भी किया उसको उठाने के लिए, पर वो फिर भी नहीं उठी, और उसने कहा कि मैं बाद में जगूंगी।
ही हैड गॉन बैक टू स्लीप और फिर वो वापस सोने चली गई। दैट डे वॉज द डे ऑफ ग्रेट जर्नी। एवरी वन न्यू द रूल्स। सबको रूल्स पता था कि क्या करना होता है, क्योंकि हर ऑटम सीजन में वो ऐसा करते थे, तो उनको आइडिया था कि हमें जाना है वार्म अप प्लेस पे, कैसे जाना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यू हैड टू बी रेडी टू लीव। उसने भी बोला, बर्ड ने सोचा क्या मुझे भी लीव कर देना चाहिए। देर वर थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स एंड दे आरंट गोइंग टू वेट अराउंड फॉर एनी वन, सो द लिटिल बर्ड हु डिडंट नो हाउ टू मेक द जर्नी अलोन। अब क्या, वो सब सारी बर्ड जा चुकी थी, जब सारी बर्ड्स जा चुकी थी तो वो जो लिटिल बर्ड थी ना, उसको तो पता ही नहीं था कि वो प्रिपरेशन कैसे करनी है जर्नी की, है ना, उस ट्रिप की प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो वार्म अप प्लेस पे जाता है कैसे है, क्या क्या करना होता है, उसे कुछ नहीं पता था। रियलाइज इट बिकॉज ऑफ द लेजीनेस। उसने रियलाइज किया जब वो अकेली रह गई, उसने रियलाइज किया कि बिकॉज ऑफ द लेजीनेस, मतलब इतने आलस की वजह से ना उसको पूरा कोल्ड विंटर वहीं गुजारना पड़ेगा। हैव टू स्पेंड द लॉन्ग कोल्ड विंटर ऑल ऑन हिज ओन। इन द बिगनिंग ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम क्राइंग। अब उसको ना बहुत दिक्कत हो रही थी, है ना, उसको तो पता ही नहीं था कि कैसे वो सर्वाइव करे अकेले, बट अब उसको बहुत दिक्कत हो रही थी, वो क्राई करने लग गए, रोने लग गए। बट लेटर ही हैड टू एडमिट दैट इट वॉज हिज ओन फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब होता है मिस्टेक। फिर बाद में उसने मान ही लिया कि हाँ ये मेरी फॉल्ट थी, मेरी ही मिस्टेक थी, ये सब मेरे वजह से हुआ है। ही न्यू ही कुड डू थिंग्स वेल एंड ही पुट हिज माइंड टू इट। उसने बोला कि उसको पता था ये बात कि उसके पास वो कैपेबिलिटी है, है ना, उसको पता था कि उसके पास इतना माइंड तो है कि वो अपनी चीज़ें खुद अपने माइंड से कर सके, अगर वो उस लेजीनेस को छोड़ के मेहनत करे तो। पुटिंग हिज लेजीनेस असाइड ही बिगिन टू प्रिपेयर फॉर द विंटर। तो अपनी लेजीनेस को साइड करके वो विंटर के लिए प्रिपरेशन करने लग गए। ही स्पेंड डेज लुकिंग फॉर द प्लेस That was best protected from the cold. वो places ढूंढने लग गए कि जो जिससे वो cold से बचने लग गए, जो best है cold से protect करने के लिए। He found a place between some rocks and there he made a new nest. तो उसे कहाँ मिला, एक rock के बीच में branches, stones, leaves उसने इकट्ठा किया और अपना nest बनाया। Then he worked tirelessly to fill the nest with fruits and berries enough to last the whole winter. तो वो क्या करने लगी, फिर नेस्ट में ना फ्रूट्स इकट्ठा करने लग गई, बेरीज इकट्ठा करने लग गई, है ना, सारी की सारी जो जो उसे चाहिए थी उसकी प्रिपरेशन करने लग गई। ही डग अ लिटिल पूल इन द केव। और वाटर के लिए उसने क्या किया, एक केव, केव का मतलब होती है गुफा में, उसने एक लिटिल पूल डग किया, एक लिटिल पूल बनाया जहाँ पानी था, तो उसे पूरे विंटर सर्वाइव करने के लिए वहाँ उसने पूल भी डक किया। सो ही वुड हैव इनफ वाटर। व्हेन ही सॉ दैट हिज न्यू होम वाज परफेक्टली प्रिपेयर, ही बिगन टू ट्रेन हिमसेल्फ ऑन हाउ टू गेट बिग ऑन वेरी लिटिल फूड एंड वाटर सो दैट ही वुड बी एबल टू एंडोर द फर्स्ट स्नो स्टॉर्म्स। अब उसने क्या सोचा, उसने देखा कि नेस्ट अच्छे से प्रिपेयर हो चुका था, मोस्टली चीज़ें उसने प्रिपेयर कर ली थी। अब उसको क्या करना था, उसको ये कर देखना था कि उसके पास ना फूड और वाटर तब कम था, पर उसको पूरा कोल्ड विंटर, इतना लॉन्ग टाइम उसको इतने फूड और इतने वाटर में गुजारना था, तो वो वैसे ही काम करते थे। और उसको ये देखना था, उसे ये सीखना था कि जो स्नो स्टॉर्म्स आते हैं, जब स्नो स्टॉर्म्स आएंगे, है ना, जब स्नो वगैरह गिरेगी तब उसको सर्वाइव कैसे करना है। एंड ऑल दो मैनी वुड नॉट हैव बिलीव्ड इट बट ऑल दिस प्रिपरेशन मेंट दैट द लिटिल बर्ड डिड सर्वाइव थ्रू द हार्श विंटर। जब सब ना ऑटम सीजन ख़त्म हो गया, जब सारी बर्ड्स ना वापस आने लग गए, जब उनको उन्होंने देखा कि वो जो लिटिल बर्ड थी, जो लेजी बर्ड थी, वो अभी भी सर्वाइव कर रही है, वो अभी भी है, ठीक है, अलाइव है, जिंदा है, उस इस विंटर के बाद भी, इतना कोल्ड विंटर के बाद भी, तो सबको रियलाइजेशन नहीं हुआ कि अरे ये कैसे कर सकती है, अरे ये कैसे हो क्या। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभार होता है ना कि जो बच्चा बिल्कुल पढ़ता ना हो, आपके फ्रेंड हो या फिर कोई, तो उसके टॉप मार्क्स आ जाते हैं बिल्कुल, मतलब 10 out of 10 आ जाते हैं, तो आपको बिलीव नहीं होता कि ये कैसे हो गया, ये तो पढ़ता ही नहीं था, इसके 10 out of 10 कैसे आ गए। तो वैसे ही और जो सारी बर्ड्स थी ना, उसे लेजी बर्ड, वो उनको रियलाइज ही नहीं हो रहा था कि लेजी बर्ड ऐसे कैसे कोल्ड विंटर में सर्वाइव कर गई। Of course, he suffered greatly and not a day of that winter went by without him regretting having been such a lazy bird. Lazy bird जो थी ना, उसने winter में survive किया, पर उसका ना without him regretting having been such a lazy bird. ठीक है, lazy bird ना regret हो रहा था उसको बहुत ज़्यादा, कि उसको पता था कि मैं lazy बनी, मैंने preparation नहीं करी, इस वजह से ये सब कुछ हो गया मेरे साथ। When the spring finally arrived, his old friends returned from their voyage. अब क्या हुआ, जब spring season आ गया, autumn ख़त्म हो गया, तो जो उसके जितनी भी friends वगैरह थे ना, वो वापस
वो वापस ट्रिप करके उसी जगह पे आ गए जहाँ वो पहले रहते थे अपने लेजी बर्ड के साथ। और उन्हें लिटिल बर्ड को जैसे देखा ना कि वो अभी भी सर्वाइव कर रही है उस कोल्ड विंटर में, तो उनको रियलाइज नहीं हो रहा था, वो सरप्राइज होकर। एंड व्हेन दे रियलाइज दैट नॉट इवन अ बिट ऑफ लेजीनेस हैड रिमेंड इन हिज लिटिल बॉडी, दैट ही हैड टर्न इनटू द मोस्ट हार्ड वर्किंग बर्ड ऑफ द फ्लॉक। अब उन्होंने देखा कि उसकी बॉडी में जो लेजी बर्ड थी ना, वो लेजी बर्ड रही ही नहीं, वो मतलब बहुत हार्ड वर्क करती थी, उसकी बॉडी में बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं था तब, और हार्ड वर्किंग बर्ड बन की ऑफ द फ्लॉक। फ्लॉक मतलब होता है ग्रुप ऑफ बर्ड्स, जहाँ भी आप ग्रुप ऑफ बर्ड्स को देखोगे ना, तो आप सिर्फ उसको बर्ड्स नहीं कहोगे, आप बोलोगे फ्लॉक मतलब ग्रुप ऑफ बर्ड्स। एवरीवन एग्री डेट ही शुड बी पुट इन चार्ज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द ग्रेट जर्नी नेक्स्ट विंटर। सब ने एग्री किया उसके हार्ड वर्क को देख के, वो विंटर में सर्वाइव करके उसके हार्ड वर्क को देख के, कि अगली बार से जब भी विंटर आएगा ना, तो सारी ट्रिप की प्रिपरेशन की इंचार्ज वो लेजी बर्ड होगी। दैट टाइम केम, एवरीथिंग वॉज सो वेल डन एंड सो वेल प्रिपेयर्ड दैट दे इवन हैड टाइम लेफ्ट टू इन्वेंट एन अर्ली मॉर्निंग वेकअप सॉन्ग। सो दैट फ्रॉम दैट डे ऑन नो लिटिल बर्ड हाउएवर लेजी वुड हैव टू स्पेंड द विंटर अलोन एंड अगेन। तो अब क्या हुआ, जब वो वापस से वही ऑटम सीजन आ गया, तब वो लेजी बर्ड ने इतना अच्छे से प्रिपरेशन किया कि अब उसके पास अभी भी टाइम था ऑटम आने को, फिर भी उसने पहले ही प्रिपरेशन कर रखी थी, और कोई भी बर्ड ऐसा नहीं था तब जो जिसे विंटर में सर्वाइव करना पड़े। अब हम देखते हैं इसका मॉडल क्या है। व्हेन यू लूज द बुक डोंट लूज द लेसन। इसका मतलब ये है, जब हमसे कोई गलती हो जाती है ना, है ना, जब हमसे कोई गलती हो जाती है, तो हमें उस गलती से, उस मिस्टेक से सबक लेना चाहिए, उसे सीखना चाहिए कि हमसे गलती कहाँ हुई, और अगली बार उसे रिपीट नहीं करना चाहिए, है ना। स्टोरी को भूल जाओ कि आपको उसे कहाँ गलती हुई, पर अगली बार हमें वो रिपीट नहीं करनी चाहिए, और उस मिस्टेक से सबक लेना चाहिए, उसे सीखना चाहिए। ओके, सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विद मी, एंड कीप स्माइलिंग।